हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेर इज़ द बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन है आपके सामने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। द हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड अ बिल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर्स? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के लिए विधेयक पारित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 21। आपको जानना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो मिनिमम एज है मैरिज की महिलाओं के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। बिल का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। इसे वॉइस वोट से पास किया गया है। ये बिल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंड करता है जिसे पार्लियामेंट द्वारा 2006 में पास किया गया था। आपको बता दें जो मैरिज है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। IMDX मॉन्कीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR assay हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच कंपनी? IMDX मॉन्कीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR assay किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेमेंस हेल्थनियर्स। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है एमपॉक्स को, क्योंकि इसका जो नया स्ट्रेन है इस वायरस का CLAD-1 ये काफ़ी ट्रांसमिसिबल बताया जा रहा है और मोर्टेलिटी रेट्स भी इसमें काफ़ी हाई देखने के लिए मिला है। और भारत ने अपना होम ग्रोन इंडिजीनियस RT-PCR टेस्ट किट डेवलप किया है एमपॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इसे अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल प्रोटेक्शन ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि CDSCO के द्वारा। आपको बता दें ये जो IMDX मॉन्कीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR ऐसे ही इसे सेवेंस हेल्थनियर्स द्वारा बनाया गया है और मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल इसे CDSCO से प्राप्त हो चुका है। द हिल कॉल वैक्सीन इज फॉर विच डिजीज? हिल कॉल वैक्सीन किस बीमारी के लिए है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, कोलेरा। आपको जानना चाहिए कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL इन्होंने हिल कॉल BBV131 जो कि एक सिंगल स्ट्रेन और एक कोलेरा वैक्सीन है इसको रोल आउट कर दिया है। इस वैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक ने हिलमैन लेबोरेटरीज से जो है लाइसेंस प्राप्त करने के बाद। हिलकॉल की अगर हम बात करें इसे एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा ओरली डे 0 पर और डे 14 पर, और 1 ईयर से अधिक के जो भी इंडिविजुअल हैं उनके लिए ये सुटेबल है। कोलेरा आप सभी जानते हैं कि डायरियल इन्फेक्शन है, और जैसे फूड है या फिर वाटर है उसको जब कंटेमिनेट कर दिया जाता है बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरे द्वारा तब ये कोलेरा बीमारी जो है फैल जाती है, और यदि कई दिन तक अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो मृत्यु हो जाती है। 19th सेंचुरी में जो गंगेस डेल्टा है तो यहाँ पर जो इसका ओरिजिन बताया जाता है ये बताया जाता है 19th सेंचुरी में यहाँ से जो है फैलना शुरू हुआ था। तो जो भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर होता है उसके इंजेक्शन से ये जो है बीमारी होती है। विच फॉर्मर इंडियन पेसर हैज़ लखनऊ सुपर जायंट्स अपॉइंटेड एज देयर मेंटोर फॉर IPL 2025? लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2025 के लिए अपने मेंटर के रूप में किस पूर्व भारतीय गेंदबाज को नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जहीर खान। आपको जानना चाहिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने फॉर्मर इंडिया पेसर जहीर खान को अपना मेंटर घोषित किया है IPL 2025 से पहले। आप सभी जानते हैं पहले इनके मेंटर गौतम गंभीर हुआ करते थे, उसके बाद गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स में चले गए, तो यहाँ पर जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, लखनऊ सुपर जायंट्स में कोई मेंटर नहीं था तो जहीर खान को अपॉइंट किया है। क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज़ आपको जाननी चाहिए।
डेविड मलान, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंग्लैंड की ओर से खेलते थे। विच चेस ग्रैंड मास्टर वॉन द सिंकफील्ड कप 2024? किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने सिंकफील्ड कप 2024 जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है एलिरोजा फिरोजा। आपको जानना चाहिए फ्रेंच ग्रैंड मास्टर एलिरोजा फिरोजा, इन्होंने जो फाइनल गेम खेला अपना आर प्रगनंदा के साथ वो ड्रॉ खेला और इसके चलते इनके पॉइंट्स काफ़ी हाई हो गए और सिंकफील्ड कप इन्होंने जीता है, ग्रैंड चेस टूर 2024 भी इन्होंने जीता है। भारत के प्रगनंदा और डी गुकेश ये फिफ्थ स्पॉट पर रहे हैं दोनों ही। साथ ही आपको चेस से ही संबंधित एक और न्यूज़ जानी चाहिए कि कार्तिक वेंकट रमन जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, इन्होंने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत ली है गुरुग्राम हरियाणा में। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024? भारत ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 5। आपको जाना चाहिए अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 ये अम्मान जॉर्डन में संपन्न हुई है। भारत ने यहाँ पर 10 मेडल जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज हैं। ये सभी मेडल विनर्स हैं। मैंने आपके लिए केवल ये बता दिए हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतना याद रखना है आपको। हु वॉन द IBSF वर्ल्ड अंडर 17 बॉयज़ स्नूकर चैम्पियनशिप 2024? किस खिलाड़ी ने IBSF विश्व अंडर 17 बॉयज़ स्नूकर चैम्पियनशिप 2024 जीती? सही आंसर ऑप्शन सी है क्रिश्चियन रेस्टर। जर्मनी के क्रिश्चियन रेस्टर, इन्होंने थाईलैंड के लोमनाओ इसरंकू को फाइनल में हराकर IBSF वर्ल्ड अंडर 17 बॉयज़ स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है KSPA बेंगलुरु में। ये इनका फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल है। स्नूकर की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगुलर बिलियर्ड्स टेबल पर ये खेला जाता है, 6 पॉकेट्स होती हैं, 4 तो हर एक कोने पर और एक जो लॉन्ग साइड होती है उस टेबल की, वहाँ पर दोनों साइड में बीच में होती है। 22 बॉल्स के साथ खेला जाता है और एक वाइट क्यू बॉल होती है, 15 रेड बॉल्स होती है और 6 अदर बॉल्स होती है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक एंड ब्लैक द कलर्स इनको बोला जाता है। टाइफून सानसान हिट विच कंट्री? टाइफून सानसान किस देश में आया? सही आंसर ऑप्शन ए है जापान। आपको जानना चाहिए टाइफून सानसान ने दस्तक दी है जापान में अगस्त 2024 में, और इससे पहले ट्रॉपिकल स्टॉर्म मारिया और टाइफून एम्फिल भी जापान को हिट कर चुके हैं। अच्छा, एक ये जानिएगा सैफिर सैमसन, ठीक है, ये जो स्केल होता है हरिकेन विंड के लिए होता है, 1 से 5 ही रेटिंग इसमें होती है और हरिकेन की जो विंड स्पीड है वो यहाँ पर बताई जाती है और उससे पता चलता है कितना जो है पावरफुल कोई तूफान रहा है। हाउ मच अमाउंट डिड बैंक ऑफ बड़ौदा रेस थ्रू 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 5,000 करोड़ रुपीज़। देखिए राइट साइड में जो इमेज है ना, इसमें बताया हुआ है कि किस बैंक ने कितना पैसा उठाया हुआ है हाल ही में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ रुपये रेस किए हैं 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से, कूपन रेट रहा 7.3% का। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से जो फंड रेस किया जाता है ना, उसमें बैंक को ये है कि SLR और CRR की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करनी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन को मिल जाता है, तो इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स रेस करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,500 करोड़ रुपये रेस किए हैं Basel III कंप्लायंट Tier 2 बॉन्ड्स इशू करके 7.42% रेट पर एनम पर, 15 ईयर्स के लिए बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। वट इज़ ULI विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI सून? ULI क्या है जिसे RBI जल्द ही पेश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम जल्द ही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है देश में इंट्रोड्यूस करेंगे। लास्ट ईयर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मकसद है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रोवाइड कराना और जल्दी ये पूरे देश भर में अवेलेबल होगा। ULI प्लेटफॉर्म विल फैसिलिटेट अ सीमलेस एंड कंसेंट बेस्ड फ्लो ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस स्टेट्स फ्रॉम मल्टीपल डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स टू लैंडर्स, ठीक है, तो ये एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए प्लेटफॉर्म है और इसमें लैंड रिकॉर्ड्स भी अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो इंटीग्रेट रहेंगे ताकि जो मल्टीपल डेटा है
डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेंडर्स यानी कि बैंक्स तक पहुँचा सके। इट विल कट डाउन द टाइम टेकन फॉर क्रेडिट अप्राइजल स्पेशली फॉर स्मॉलर एंड रूरल बोरोवर्स। तो लोन लेने का जो समय लगता है वो जो समय है ठीक है वो उसमें जो है कट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो नया ट्रिनिटी बनेगा अब जैम UPI ULI और ये इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली है उसको पूरी तरह से मजबूत करने वाला है। जैम आप सभी जानते हैं जनधन आधार और मोबाइल, तो ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो कैश बेनिफिट्स हैं डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। बाकी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आप सभी जानते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स नोटेड दिस ईयर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। नवाना इज द स्टेट सेक्रेटरीट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? वेस्ट बंगाल। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? फारूक अहमद। एज पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडिया विल लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून इन द ईयर 2040। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेटेड न्यू GST भवन इन द सिटी ऑफ राजस्थान? आंसर इज उदयपुर। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज ESOP फुल फॉर्म बताइएगा? विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2024? हु रिप्लेसेस फॉर्मर गोलकीपर PR श्रीजेस इन इंडियाज एशियन ट्रॉफी हॉकी स्क्वाड? हु इज द फिफ्थ इंडियन आफ्टर जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन एंड शशांक मनोहर टू बी इलेक्टेड एज ICC चेयरमैन? Which diplomacy refers to the practice of transporting world leaders from Poland through Ukraine via rail since the start of the Russian invasion of Ukraine in 2022? तो उस डिप्लोमेसी का क्या नाम है ये आपको बताना है। पांच क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बताते हैं विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियोस और PDF के माध्यम से। यदि आप डेमो वीडियो या PDF देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर देख सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। और इसमें इंश्योरेंस का पार्ट भी हमने कवर किया है। केवल 399 में आपको एक कोर्स मिल रहा है, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस है, उसके बाद फिर जो इसका रेगुलर प्राइस है 999 वो एक्टिव हो जाएगा। आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो बैंकिंग SSC रेलवे या स्टेट PCS जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स बाय करना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।